सब्सक्राइब कीजिए यहाँ एवरीथिंग को और प्रेस कीजिए इस बेल को ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। हेलो एवरीवन, दिस इज अभिनव, आप देख रहे हैं यहाँ एवरीथिंग और आज मैं आपको एक अनबॉक्सिंग दिखाऊंगा इस वीडियो में, जो कि मैंने अमेजोन से ग्रेट इंडियन सेल में एक सामान परचेस किया था उसका अनबॉक्सिंग दिखाऊंगा और आप देखेंगे इस अनबॉक्सिंग में कि क्या हमको इस बॉक्स में क्या मिलता है। तो आप इस वीडियो के साथ बने रहेंगे। उससे पहले आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि सारे डिटेल यहाँ पर बॉक्स के ऊपर पे रखा गया है, तो उस डिटेल को मैं आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि इसमें बिलिंग एड्रेस भी है मेरा, और मैं इसको आपको सिर्फ इसका प्राइस दिखा दूँ कि इसका प्राइस एक यहाँ पे जेब्रोनी का ब्लूटूथ स्पीकर है जो कि 4.1 चैनल वाला है, इसका प्राइस लगभग यहाँ पे 2100 रुपया है। चलिए इस बॉक्स को ओपन करते हैं। इस बॉक्स का पैकिंग ऊपर से काफ़ी अच्छा है लेकिन यहाँ पर अमेजोन ने काफ़ी यहाँ पर गलत किया है, इसीलिए मैं इस अनबॉक्स को दिखा रहा हूँ। तो देखें, मैं जल्दी इसे अनबॉक्स कर दूँगा और इसे मैं फास्ट फॉरवर्ड के साथ अनबॉक्स करूँगा। तो आपको मैं देख सकते हैं कि बॉक्स किस तरह से यहाँ पे दिया गया है, काफ़ी टूटा फूटा बॉक्स और यहाँ पे ब्लूटूथ लिखा गया है, जेब्रोनिक लिखा गया है, काफ़ी अच्छा होम थिएटर चलता है। लेकिन मैंने इसको मंगाया था कि ये इसका रिव्यू मैंने पढ़ा था यूट्यूब पे, काफ़ी अच्छा था लेकिन इसलिए मैंने इसे मंगाया अपने एड्रेस पर। और देख सकते हैं यहाँ पर मैं इसे इस बॉक्स को ओपन करूँगा तो यहाँ पर एक हमको इस तरह का यहाँ पे मिलेगा जो कि जिसका पैकिंग काफ़ी ख़राब है, टूटा हुआ। यहाँ पे देख सकते हैं इसका एक ऊपर वाला एक बेस है और यहाँ पे तार सब इसमें सटा हुआ है, लगता है बहुत पुराना यहाँ पे पीस दिया गया। और यहाँ पे देख सकते हैं कि इस पीस को तोड़कर भेजा गया है, जैसे लगता है यहाँ पर टूटा हुआ पीस ही पैक किया गया है। मैं आपको उससे बाद में दिखाऊँगा किस कहाँ से टूटा हुआ पीस है ये जेब्रोनिक का। यहाँ पर देख सकते हैं बुफर वाला जो होता है पार्ट, यहाँ पर देख सकते हैं इसका साफ ऊपर से जो ये 4-6 नट होता है इसमें स्क्रू होता है वो साफ टूटा हुआ है, जैसे लगता है कोई से तोड़ा गया है। इसे तो पटकने से नहीं टूटता, यहाँ पर देखेंगे काफ़ी यहाँ पे इसके जो चारों स्क्रू होते हैं वो निकला हुआ है। और यहाँ पे एक मुझे माउस मिले, ये रिमोट मिला है इसमें इस बॉक्स में, और बॉक्स का हालत देखकर लगता है कि कहीं से इसको फेंका गया है। और देख सकते हैं इसमें मुझे 4 स्पीकर मिले गए छोटे छोटे, यहाँ पर 4 स्पीकर को मैं आपके सामने अनबिल्ड कर देता हूँ। यहाँ पे देखें स्पीकर सब काफ़ी अच्छे हैं, अगर ये मुझे अच्छे कंडीशन में मिलते तो ये स्पीकर काफ़ी अच्छे लगते हैं और इसका साउंड क्वालिटी भी अच्छा है। मेरे पास एक और है जिसका साउंड क्वालिटी भी अच्छा है, इस तरह का ही है। तो यहाँ पे 4 स्पीकर मिलेंगे, देख सकते हैं इसका कंडीशन कैसा दिख यहाँ पर मिला है। और मैं से अगर ओपन करके दिखाऊँगा यहाँ पर देखें इस तरह से यहाँ पर हमको मिला है। अमेजोन को मैंने कॉल भी किया तो इसका रिफ़ंड पाने में मुझे 15 दिन लगा। इसका मैं वीडियो बना लिया था तो मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा आप भी वीडियो बनाकर ही कुछ चीज़ अनबॉक्स करें या ऑनलाइन परचेज करें। तो यहाँ पे देखें कि इसको मैं पहले तो जाकर यहाँ पर इस तरह से यहाँ पे हमको 4 स्पीकर और एक बूफर बेस मिला था जो कि टूटा हुआ था जेब्रोनिक का, काफ़ी अच्छा दिखने में लगता है। मैं इसे ऑन करके देखता हूँ कि शायद ये ऑन हो जाए, इसे मैं इसे प्लग करूँगा और यहाँ पर मैं लाइन दूँगा तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पे इसे पीछे में एक लाइन देने वाला एक बटन है, उसके मैं ऑन कर देता हूँ। और यहाँ पे देखें ऑन करते इसमें कोई लाइट नहीं आया, तो ये पूरी तरह से डिफेक्टिव पीस पैक करके दिया गया है। यहाँ पर अमेजोन का कोई यहाँ पर अगर किसी सेलर ने ऐसा पीस को पैक किया है तो उसे इसका ध्यान देना चाहिए, टेस्ट करना चाहिए। अब मैंने इसे कंप्लेन भी किया था अमेजोन के कस्टमर केयर में, तो उन्होंने बोला कि इसका जो डिफेक्टिव पीस है उनका फ़ोटो खींच कर भेजिए और जो बिल आया है उसका फ़ोटो खींच कर, तो मैंने उसे भेजा था। उसके बाद 15 दिन लगा था हमको रिफ़ंड पाने में इस प्रोडक्ट का। तो जो भी करें अनबॉक्स उसे वीडियो के सामने अनबॉक्स करें, इस वीडियो का बनाने का यही मकसद था कि आप जो भी चीज़ अनबॉक्स करें ऑनलाइन जो परचेस करें और देखें कि इस बॉक्स में हमको ये ब्लूटूथ स्पीकर 4.1 है और इस बॉक्स में हमको 5.1 का ये यूज़र मैनुअल दिया गया था। तो ये काफ़ी यहाँ पर मतलब क्या है इसमें गजब का यहाँ पर सिस्टम दिखाया गया है। यहाँ मेरा 4.1 है उसमें यूज़र मैनुअल 5.1 दिया गया है, तो ये काफ़ी यहाँ पर बुरा होगा। तो इसे मैं पैक कर दूँगा और अमेजोन को भेज दूँगा वापस। और पता है कि अमेजोन वाले इसको लेने के लिए नहीं आए, मुझे जाना पड़ा इसे वापस कुरियर लेकर, ना देने के लिए आए थे क्योंकि ये भारी था, 5 kg इसका वज़न था, ना देने के लिए आए ना इसको लेने के लिए वापस आए। तो अमेजोन से मैं गुजारिश करूँगा इस तरह से ध्यान दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।